अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए एपिसोड के साथ आपके साथ हाजिर हैं। आज हम एक दवाई का इंट्रोडक्शन कराएंगे आपसे। ये दवाई जो है, जब आप कोई कॉलोनी लगाते हैं और उस आप जैसे देखेंगे उसके अंदर वो पहले से मुर्गी कबूतर या कोई और जानवर रखा हुआ था, और उसके बाद उसको आप बनाना चाहते हैं, जैसे अब हम करना चाह रहे हैं। हमारे जो पेयर्स थे वो तकरीबन जो है वो 300 पेयर थे, जो हमारी पुरानी कॉलोनी अगर तोड़ के हम उसको उसमें केज डालेंगे तो हमारे पास मुश्किल से 200 पेयर रखने की जगह थी, तो 100 पेयर हमारे एक्स्ट्रा थे। वो भाई के पास हमारा एक केज था जिसमें वो यूज़ नहीं कर रहा था, ख़राब, उसके अंदर जो है मिट्टी वगैरह थी और उसने मुर्गियाँ पाली भी थी। तो अब जो है वो उसमें हम एक लाइन ले रहे हैं ताकि उसके अंदर रख सकें। तो हमने उसको खैर साफ वाफ कर लिया है, डिटॉल से भी धो लिया है, लेकिन उसके बाद हम एक और जरासीम कश जो है वो दवाई डालेंगे जिसका नाम है पायरेविक्स। और ये जो है मुख्तलिफ जो है वो माइट स्लाइस जो है, जो कीड़े मकोड़े बहुत माइक्रो बायोलॉजिकल कीड़े होते हैं, जो आप समझ सकते हैं खुदबीन से देखे जाते हैं, इंसेक्ट्स जो है, बग्स हैं, जो भी कीड़े या बैक्टीरिया जो बाद में हमारे परिंदों को नुकसान पहुंचा सकते हैं उनके लिए हैं। वैसे तो लोग PS100 इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक अच्छी चीज़ है कि हमने खैर उसको इस्तेमाल नहीं किया, अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये पायरेविक्स। इसके इस्तेमाल का तरीकाकार ये है कि ये 10 से 20 ml तक जो है वो 1 लीटर पानी में डाली जाती है। तो हम स्प्रे करने लेकर आए, हमने ये ले लिया, 2 लीटर की है, 2.25 लीटर की है। इसके अंदर हम डालेंगे और हम अपनी जो नई कॉलोनी बना रहे हैं, बल्कि सिंगल केज का ये सील है कि हम इसकी सील तोड़ना है, हमें भी नहीं पता इसके अंदर से जो है वो क्या हिसाब किताब निकलेगा, ज़्यादा मुश्किल हिसाब नहीं है। और ये तकरीबन मेरे ख्याल 20 ml ही है इसके अंदर, तो हम इसको पूरी ही डाल देंगे, इससे इसका रंग चेंज हो जाएगा। अच्छा, ये जानवरों या परिंदों के ऊपर नहीं करनी। PS100 कुछ हैं यूट्यूबर्स जो जिन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है PS100 को, लेकिन बाद में मैंने जैसे कहा कि हमारा इस्तेमाल नहीं है तो हमें पता नहीं था, लेकिन हमने जो देखी है लोगों की राय वगैरह यूट्यूब व्हाट्सएप वगैरह पे, उन्होंने हमें बताया है कि ये उसको जो है ना आँखों को असर करती है, तकरीबन 2 दिन तक जो है वो आपकी जो बर्ड है वो बेचैन रहती है। तो ये हमने यानी बर्ड्स के जो माइट्स वगैरह मारने के लिए ना वो एक अलग दवाई है, इंशाल्लाह ताला उसका जो है वो आप ये देखें दूध की तरह से ये चेंज हो गया। तो ये अब हम जो है जाके स्प्रे करेंगे इंशाल्लाह। इसके लिए हम ये ले आए, ये तकरीबन 50 रुपये का है, ये सही रहता है क्योंकि स्प्रे गन मेरा ख्याल 500 रुपये की आती है, उससे बेहतर ये है कि आदमी ये ले ले और इसको जो है वो अपनी कॉलोनी वगैरह जो भी बना रहा है, लेकिन ये डायरेक्ट आप उस पर ना कीजिएगा, परिंदे के ऊपर तो ज़्यादा बेहतर है। लोग जैसे मैंने कहा कि PS100 को उन्होंने अपने परिंदों पर किया भी है, उसके बाद रिजल्ट नहीं दिखाया, लेकिन रिज़ल्ट यही है कि वो जो है वो बाद में हार्मफुल होती हैं और परिंदों को असर करती है, परिंदों की लाइस माइट्स या जो भी जूएँ वगैरह जैसे वो खुजा रही हैं उसके लिए वर्कॉनस आती है, उसकी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि वर्कॉनस जो है बना के उसका भी स्प्रे किया था। वो आप डायरेक्ट करें, वो अगर दाने पर भी पानी पर भी गिरे तो वो प्रॉब्लम नहीं करता, वो हमारे पास है, लेकिन वो हम फिर किसी वक्त करेंगे, हम गर्मी का इंतज़ार कर रहे थे। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये आप क्योंकि सर्दी में जब क्लोज कर देते हैं ना, उस ज़माने में आपने केज के अंदर नहीं करना क्योंकि इसकी बू होती है, और हो सकता है कि वो आपकी बू जो है, जैसे आप कमरे में नहीं रह सकते, अक्सर हमने देखा है कि लोग जो है वो पैरासाइट्स जो है वो पेस्टिसाइड्स करवाते होंगे, उसके बाद वो घर बंद कर देते हैं ताकि परिंदे जो भी उसके आके उसका भी स्प्रे किया था। वो आप डायरेक्ट करें, वो अगर दाने पर भी पानी पर भी गिरे तो वो प्रॉब्लम नहीं करता,
वो हमारे पास है, लेकिन वो हम फिर किसी वक्त करेंगे, हम गर्मी का इंतज़ार कर रहे थे। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये आप क्योंकि सर्दी में जब क्लोज कर देते हैं ना, उस ज़माने में आपने केज के अंदर नहीं करना, क्योंकि इसकी बू होती है और हो सकता है कि वो आपकी बू जो है, जैसे आप कमरे में नहीं रह सकते, अक्सर हमने देखा है कि लोग जो है वो पैरासाइट्स जो है वो पेस्टिसाइड्स करवाते हैंगे, उसके बाद वो घर बंद कर देते हैं ताकि परिंदे जो जो भी उसके अंदर कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाएं। अक्सर बच्चे भी बेचारे दम घुटने से और मर गए हैं। तो आपने क्लोज करके इसको नहीं करना, ऐसी जगह करना जहाँ वेंटिलेशन हो, हवा आ रही हो जा रही हो, तो उस जगह पे अगर आप इसको करेंगे तो ये जो है सही रहेगा, ताकि इस असल में इसका असर खुशबू से नहीं, इसका असर जहाँ पर ये पड़ेगा, जहाँ को जिस जगह को ये गीला करेगा वहाँ पर ये असर करेगा, इसकी खुशबू से जो है वो नहीं मरने, इसकी जो है यानी स्प्रे करने से जो है जहाँ जहाँ ये लगेगा वहाँ पर वो मरेंगे। और परिंदे के ऊपर ना डायरेक्ट कीजिएगा भाई, कहीं आप कह रहे हैं अर्शद भाई ये तो आपने कहा था कि लाइब्रेरी में करनी है, कॉलोनी में करनी है, तो हमने की उसमें उसको कर दिया, तो भाई उस ये जान परिंदों के ऊपर करने का नहीं है। पर आपने सिर्फ जो नए केज जो है अगर आप बना रहे हैं, कॉलोनी बना रहे हैं, तो उसके अंदर ये इस दवाई को आप करें। ये हमने इसका नाम आपको बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी हम लिख देंगे इसका इंशाल्लाह नाम, ठीक है। तो आप चलते हैं ऊपर, आपको दिखाते हैं कि इसका स्प्रे कैसे करते हैं। इसके मुंह को आपने छोटा बड़ा कर सकते हैं धार के लिए ना, तो आप ये स्प्रे टाइप की बनानी है, देखें ये स्प्रे हो रहा है। अब आपने ये स्प्रे लेके मुख्तलिफ जगहों पे करनी है, ताकि अगर कोई भी कीड़े मकोड़े, कोई भी किसी बैक्टीरियल चीज हो वो, अभी हम जो है इसके इंशाल्लाह पूरे एरिए पे करेंगे। अच्छा एक ये मैंने भी मंगवाया है मास्क, बगैर मास्क के मैं कर रहा हूँ, 12 लाख में मास्क पहन के करना है, मैं ऊपर नहीं कर रहा हूँ, बच्चे से मैंने मास्क मंगवाया, नीचे लेने गया है वो। आपने ये सारा जो है ज़मीन पे, ये भी तकरीबन सारी हम ये खाली करके जाएंगे,